हेलो फ्रेंड्स, पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग एपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इन एन एपी आप 50 टर्म्स, दसम आप फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210 एंड दसम आप इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565 फाइंड द एपी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म विल बी एस टेन इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10-1 डी। क्योंकि क्या होता है, n टर्म्स का सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल 10/2 2a प्लस 10-1 डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 5 10 तो 5 × 2a प्लस 90। ये वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, 210 की कॉल है। अब 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 90 इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 5 1 5 5 4 20 5 2 10 विच इज इक्वल टू 42। सो 2a प्लस 90 इक्वल टू 42 इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, बोलता है कि लास्ट 15 टर्म्स। अब लास्ट 15 टर्म्स तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है और ए मालूम नहीं है डी मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि एस 50 माइनस एस 35, मतलब टोटल जो सम ऑफ ऑल 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स, इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों को लास्ट 15 टर्म्स का सम जो है मिल जाएगा। तब चलिए इसको हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा 50/2 2a प्लस 50-1d माइनस 35/2 2a प्लस 35-1d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 5 10 तो 25 इंटू 2a प्लस 49d माइनस 35/2 हो जाएगा 2a प्लस 34d। अब देखिए ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2565 के। अब इन दोनों में 5 कॉमन है तो हो जाएगा 2565 इक्वल टू 5 कॉमन ले लिए तो आ गया 5 × 2a प्लस 49d माइनस 7/2। और इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेता हूँ मैं तो 2 तो a प्लस 2 1 2 2 7 14 17d। इसमें 2 1 2 2 1 2 अब ये 5 को इधर क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 2565 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 है प्लस 5 9 45 कैरी 4 5 5 20 और 24 245d माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है माइनस 7 7 49 कैरी 4 7 1 7 और 4 11 119d ये हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 1 5 5 5 25 5 1 5 5 3 15 ते सालो हो जाएगा 513 इक्वल टू 3a प्लस 15-9 6 3-1 2 2-1 1 126d। इन दोनों में 3 कॉमन है और 3 से कटेगा तो 513 इक्वल टू 3a प्लस 3 4 जा 12 3 2 जा 6
42 डिग्री, 3 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 513 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ए प्लस 42 डी। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 1। अब ये हो जाएगा ए प्लस 42 डी इक्वल टू 171। इक्वेशन टू हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 171 माइनस 42 डी इन इक्वेशन वन, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या गया 171 माइनस 42 डी प्लस 9 डी इक्वल टू 42। जिसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 40 प्लस 9 डी इक्वल टू 42। अब 342 माइनस 75 डी इक्वल टू 42। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 342 माइनस 42 इक्वल टू 75 डी। सो डी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 75 विच इज इक्वल टू 4। सो ए इक्वल टू 171 माइनस 42 इंटू 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन ए इक्वल टू 171 माइनस 42 डी। 171 माइनस 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इक्वल टू 3। तो हम लोग को क्या मिल गया, ए इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। अब ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ए पी क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ऐसा चलते जाता है। तो 3 3 प्लस 4 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 3 7 11। दिस इज द रिक्वायर्ड ए पी। तो व्यूअर्स, आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।